नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन के बदलते ट्रेंड को लेकर एक जरूरी बात करेंगे, साथ ही में सीबा और मैटिक कॉइन के अंदर डंप क्यों आ सकता है और उसके साथ में आपको एक बेस्ट से बेस्ट एंट्री कब लेनी चाहिए, ये सारी बातें करेंगे। बस इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस और स्किप नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे में आप बहुत बड़ा कुछ मिस कर सकते हैं। और उसके साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी प्यारे भाई बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरा मोटिवेशन इसी तरह से बना रहे, इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, बिटकॉइन का ट्रेंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बदल गया है और हम इस तरह से 4 आवर के टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड की ओर है। और उसी के साथ में आप यहां पर देखेंगे तो बिटकॉइन ना ही तो यहां पर सपोर्ट बना पाया, ना ही यहां पर बना पाया। और मैंने आपको इस ट्रेंड लाइन के बारे में भी बताया था कि बिटकॉइन यहां पर सपोर्ट बना रहा है जब नीचे आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, बिटकॉइन ने सपोर्ट बनाया है और इस तरह से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर भी देखने को मिली है। तो यहां पर आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की होगी और आपने प्रॉफिट भी बुक किया होगा, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। अब देखिए यहां पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमारे को किस तरह से वर्क करना है वो समझ लीजिए। फ्रेंड्स यहां पर क्या हुआ था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया और बिटकॉइन की प्राइस इस जोन के अंदर देखने को मिली। तो फ्रेंड्स यही चीज आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है और इससे नीचे यहां पर कैंडल क्लोजिंग होती है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर कुछ, तो फ्रेंड्स ऐसे में हम यहां पर बिटकॉइन को देख सकते हैं और यहां से हम लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे, क्योंकि यह जोन बिटकॉइन के लिए बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। फ्रेंड्स 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी हमें बिटकॉइन के अंदर थोड़ा डाउन ट्रेंड के अंदर है। और वो कैसे, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर इस लेवल से ऊपर 3-4 कैंडल क्लोज होनी चाहिए, नहीं हुई। इस लेवल से ऊपर होनी चाहिए, नहीं हुई। और फ्रेंड्स फाइनली बिटकॉइन ने इस लेवल का भी ब्रेकडाउन किया है। ये लेवल बिटकॉइन के लिए बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में काम करने वाला था, लेकिन यहां पर सपोर्ट नहीं बना पाया और फाइनली बिटकॉइन की प्राइस यहां पर आ चुकी है। तो देखिए अगले 48 घंटे के अंदर हमारे को बिटकॉइन के ट्रेंड का और अच्छी तरह से करना चलेगा। वैसे फ्रेंड्स यहां पर डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यह डाउन ट्रेंड और अच्छी तरह से काम करेगा यदि बिटकॉइन की प्राइस यहां पर 1 डे के टाइम फ्रेम पर इस लेवल से नीचे या इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग दे देती है ऐसे में। देखिए अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताया। और उसी के साथ में फ्रेंड्स यहां पर कल FOMC की मीटिंग हो गई थी, लेकिन जो यहां पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाने वाला है वो यहां पर डाटा आ जाने वाला है। साथ ही में कल यहां पर US के अंदर GDP का डाटा भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स इस तरह से 48 घंटे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर यहां पर इंटरेस्ट रेट को 75 BPS पॉइंट से बढ़ाया जाता है तो फ्रेंड्स उस तरह से तो मार्केट अभी तक सेट हो गया है, लेकिन अगर 100 BPS पॉइंट से कुछ आता है तो फ्रेंड्स ऐसे में थोड़ी दिक्कत हो सकती है और हम दूसरे ट्रेड इसी जोन के अंदर लेंगे यदि बिटकॉइन यहां पर सपोर्ट बना लेगा अगले 48 घंटे के अंदर। तो ऐसे में और मैं आपको इसका अपडेट भी दे दूंगा। फ्रेंड्स अगर बात करें मैटिक कॉइन की, तो मैटिक की प्राइस प्रेजेंट टाइम पर चल रही है 0.7822 के आसपास। और वहीं फ्रेंड्स 2 दिन पहले जब मैंने आपको मैटिक का अपडेट दिया था, तब मैटिक की प्राइस चल रही थी पर 72 रुपीज के आसपास INR के पेयर में। और मैंने आपको कहा था कि मैटिक की प्राइस 60 रुपीज तक देखने को मिलेगी और मैंने आपको USDT के पेयर के अंदर यह लेवल भी बताया। अगर आपने यहां पर एंट्री मारी होगी तो प्रेजेंट टाइम पर भी आपको एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैटिक ने जो कैंडल क्लोजिंग दी है वो इस लेवल से नीचे क्लोजिंग दी है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर थोड़ा डंप आता है तो मैटिक की प्राइस इस तरह से वापस से नीचे देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स इस जोन के अंदर आप मैटिक को पकड़ सकते हैं। नीचे का लेवल है 0.65 का, ऊपर का लेवल है 0.6840 का, मैं यहां पर पकड़ने वाला हूं। और फ्रेंड्स यहां पर उसी के साथ में इस असेंडिंग चैनल का यहां पर ब्रेकआउट किया था, आप देख सकते हैं। अब ब्रेकआउट करने के बाद में वापस से इसे रिटेस्ट करने के लिए यहां तक आ सकता है। तो यह मैटिक का ट्रेड होने वाला है। और फ्रेंड्स अगर बात करें सीबा इनु टोकन को लेकर, तो सीबा इनु टोकन ने 1 डे के टाइम फ्रेम पर इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग दी है। देखिए यहां पर सीबा इनु टोकन ने सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि सीबा की प्राइस वापस से इस जोन के अंदर आ सकती है। इस जोन के अंदर नीचे का लेवल है 0.5 times 0.970 का, ऊपर का लेवल है 0.4 times 0.10120 का, क्योंकि फ्रेंड्स जब इस जोन से प्राइस नीचे आ रही है तो इस जोन के अंदर सपोर्ट ले रही है और 1 डे के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट बना रही है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स यहां पर हम वापस से सीबा के अंदर लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, साथ ही में थोड़ा से अमाउंट के साथ में स्पॉट के अंदर भी ट्रेड लेंगे। तो यह बात आपको समझ में आई,
जाएगी। और उसी के साथ फ्रेंड्स, मैंने आपको मैटिक और सीबा के बारे में जो कुछ बताया है, मान लीजिए मैटिक और सीबा के अंदर डंप नहीं आता है और पंप ही आने लगता है, तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, फोमो करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। आपका भाई आपके लिए बैठा हुआ है, फिर भी हमारे पास में अवसर रहेंगे। मैं आपको ट्रेड यहां पर शेयर करता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर कोई फीस नहीं लग रही है, आप बिल्कुल फ्री के अंदर वहां पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और अगले 48 घंटे के लिए आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है टेलीग्राम के ऊपर भी। फ्रेंड्स, अगर बात करें एक नए प्रोजेक्ट को लेकर, तो उसका नाम है पॉस चैन प्रोजेक्ट। अगर इसके रिव्यू को लेकर बात करें, तो फ्रेंड्स यह दावा करता है कि जो ब्लॉकचेन है उसके आगे के विकास के लिए यह मजबूती प्रदान करने वाला है। यानी कि यह डिफरेंट टाइप के जो क्रिप्टो नेटवर्क है उनको यहां पर बहुत तेजी के साथ में कनेक्ट करने वाला है और सस्ते में कनेक्ट करने वाला है, जिसके माध्यम से यहां पर उन क्रिप्टो नेटवर्क के अंदर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यह करने वाला है। यहां पर फ्रेंड्स इसका मार्केट के अंदर आईसीओ आया है, और फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं क्रॉस चैन इकोसिस्टम, पॉस चैन इज ए नेक्स्ट जनरेशन ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स यहां पर आप इसका व्हाइट पेपर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके साथ फ्रेंड्स इसके आईसीओ स्टेज 2 के अंदर जो प्राइस चल रही है वो 0.40 यूएसडीटी के आसपास चल रही है। व्हाट मेक पॉस चैन डिफरेंट, आप यहां पर सारी चीजें देख सकते हैं। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई भी फ्रेंड्स यहां पर बहुत ज्यादा कम होने वाली है, और जो टोटल सप्लाई है वो भी आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, जब भी मैं आपको किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूं और मैं अगर वहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आप उसके चलते आंखें बंद करके पागल मत हुआ करिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं एक क्रिएटर हूं और फ्रेंड्स मैं उसी के साथ में यहां पर इन्वेस्टमेंट करता हूं मेरे रिस्क पर, तो आप भी अपने रिस्क पर ही इन्वेस्टमेंट करें। और फ्रेंड्स मेरे को यहां पर जो एड मिलता है मैं उसी से ही अर्निंग करता हूं, आपसे मैं किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं करता हूं, तो यह मेरी ड्यूटी है और मेरे को इसको करना पड़ता है। लेकिन उसी के साथ में मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी यह भी है कि मैं आप लोगों को अवेयर करूं, आपको किसी भी प्रकार का लॉस ना होने दूं। तो अगर आपके पास में अमाउंट है तो आप इसके अंदर सिर्फ $5 से लेकर $10 का ही इसके अंदर खरीदे। आपको बहुत ज्यादा, देखिए $10 से ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। वैसे मैंने इसके अंदर थोड़ा अमाउंट ज्यादा लगा रखा है, क्योंकि मुझे यहां पर थोड़ा सा अमाउंट इनकी तरफ से भी दिया गया था। और देखिए उसके साथ में फ्रेंड्स आप यहां पर सारी चीजें देख सकते हैं। अगर आपको इसके आईसीओ के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो फ्रेंड्स आपको यहां पर ज्वाइन आईसीओ के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर अपनी प्रोफाइल देखने को मिलेगी, वहां पर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, और फ्रेंड्स इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। देखिए यहां पर ऑप्शन लिखा हुआ है बाय टोकन, तो फ्रेंड्स आपको यहां पर बाय टोकन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर आ जाएगा कि आप अपने वॉलेट एड्रेस को जोड़िए, और फ्रेंड्स वो वॉलेट एड्रेस होगा आपका मेटामास्क का या ट्रस्ट वॉलेट का, किसी अदर एक्सचेंज का नहीं होगा। उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स 6 दिन 17 घंटे और उसके साथ 37 मिनट 40 सेकंड बाकी है इसकी जो टोकन सेल चल रही है स्टेज 2 की, उसको लेकर आप इसकी यहां पर टोटल टोकन देख सकते हैं और आप सारी चीज देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, और उसके साथ में आप ज्यादा फोमो नहीं करेंगे, ज्यादा लालच नहीं करेंगे इसको खरीदने में। मैंने आपको कहा कि सिर्फ आप $5 या $10, इससे $1 भी ज्यादा आपको इन्वेस्ट इसमें नहीं करना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज अगर आपको लगा है ऐसा कुछ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।